हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। सीधा सवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के नतीजे ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की उम्मीदों को जगा दिया है। दिल्ली में हैट्रिक लगाने के बाद आम आदमी पार्टी एक बार फिर से देश में दम दिखाने के मिशन में जुटना चाहती है और आम आदमी पार्टी ने इसे राष्ट्र निर्माण का नाम दिया है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद जो मिस्ड कॉल नंबर जारी किया है उसको लेकर पार्टी का यह दावा है कि सिर्फ 24 घंटे में, और बहुत ध्यान से सुनिए, सिर्फ 24 घंटे में 11 लाख लोग राष्ट्र निर्माण के इस अभियान में जुड़ गए हैं। अगले कुछ महीनों में बिहार का चुनाव होने वाला है और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व का ये दावा है, लीडरशिप ये कह रही है कि पार्टी बिहार चुनाव में शामिल हो सकती है। पार्टी ये कह रही है कि हम लोकल बॉडीज के चुनाव महाराष्ट्र में लड़ सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने 2015 की जीत के बाद भी इसी तरह का दावा किया था। उसके बाद क्या हुआ था ये भी आप में से ज्यादातर लोगों को पता चल गया होगा। क्या इस बार आम आदमी पार्टी का ये दावा कामयाब हो पाएगा, इसी पर आज का सीधा सवाल है। लेकिन मैं बहस की शुरुआत करूं उससे पहले ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। ये केवल दिल्ली के लोगों की जीत नहीं है दोस्तों, ये हमारी भारत माता की जीत है। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ये दिल्ली में सिमटने वाली राजनीति नहीं है। देश का नेतृत्व करेंगे बिहार, बंगाल और जहां जहां चुनाव होने जा रहे हैं, तमिलनाडु हो रहे हैं, सब जगह नेतृत्व करेंगे आप केजरीवाल। जहां से पूरे स्टेट से उठ के लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम भी यहां ऐसी राजनीति चाहते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके आगे वहां भी बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में हमारा प्लान है कि हम सारे लोकल चुनाव लड़ें और पार्टी को खड़ी करें। आम आदमी पार्टी को चुनाव जीत करके अब कुछ घंटे भी नहीं हुए, महाराष्ट्र की सरकार में झगड़े शुरू हो गए। महाराष्ट्र ये झगड़े वाली सरकार है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी कुछ भी अपनी सलाह दे, महाराष्ट्र में होना नहीं। नई राजनीति की दस्तक, दिल्ली से देश तक। दिल्ली से देश तक नई राजनीति की दस्तक है। इसी पर चर्चा करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवाना चाहती हूँ। गौरव भाटिया प्रवक्ता है बीजेपी की, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौरव आपका। निशांत वर्मा साहब जो कि संस्थापक है ब्रिक्स के, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी निशांत। हमारे साथ दीपक वाजपेयी साहब जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। दीपक आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव उनियाल आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और राइट आइडियोलॉजी से जो है वो तालुक रखते हैं। गौरव भाटिया मैं आपका रुख करूं, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि दीपक वाजपेयी अभी चूंकि सेंटर में लाइमलाइट जिस पर है वो आम आदमी पार्टी है। कल से मैं दीपक वाजपेयी जी आपसे एक ही सवाल पूछने की कोशिश कर रही हूं, आप तो तीन चार चीजें और सामने आ गई है। बात जो निकली है दूर तलक जाएगी उससे आगे निकल गई है, आप लोगों ने मन बना दिया है और ये सोच के रख लिया है कि अब आप राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने वाले हैं, बस मानने भर की देरी है, आप मानते क्यों नहीं है? नहीं रूबिका जी, आप देखिए अगर तथ्यों को सही रोशनी में रख के देखेंगी तो हम पंजाब में हमने एक चुनाव बीच में लड़ा, गोवा में लड़ा, राजस्थान में लड़ा, छत्तीसगढ़ में लड़ा, हमने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा। आज हम केवल यह कहना चाह रहे हैं जो आज का विषय है कि यह पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो आम आदमी पार्टी का भविष्य बड़ी समस्या नहीं है। देश के नौजवानों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि राष्ट्रवाद के नाम पर उनकी आंखों में अंगारे जल रहे हैं, उन्हें लग रहा है भारत पाकिस्तान का मुद्दा, हिंदू और मुसलमान का मुद्दा सच्चा राष्ट्रभक्ति का सबूत है और सच्चा राष्ट्र निर्माण ये। हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली में सच्चा राष्ट्र निर्माण हो रहा है। राष्ट्र निर्माण तब होगा जब अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, महिलाओं के लिए सुरक्षा और सम्मान, बेरोजगारी से मुकाबला और किसानों के लिए खुशहाली और हर आदमी को जो जरूरत की चीज है वो उसको मुहैया हो जाए, तब सच्चा राष्ट्र मिलेगा।
अगर भारत को विश्व विजय करनी है तो वो ओलंपिक के मैदान में होगी, नोबेल प्राइज के मैदान में होगी, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना वो सबसे बड़ी बात एक ही है। आम आदमी पार्टी सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली के जरिए राष्ट्र निर्माण हम कर रहे हैं, दिल्ली के जरिए अलग अलग राज्यों में जाने वाले हैं। इससे पहले तक आपकी जमानत जब्त हुआ करती थी, लेकिन अब आपको लगता है कि एक ऐसा लीडर मिल गया है जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने में आसानी होगी। रूबिका, एक आखिरी चीज रह गई, एक आखिरी चीज रह गई, उसके बगैर बात अधूरी रह जाएगी। हाँ रूबिका, आखिरी चीज रह गई, उसके बगैर बात अधूरी रह जाएगी। पूरे देश इतना विशाल है कि हम पूरे देश के युवाओं की, लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल कर पाएंगे, हमको अपनी हैसियत का अंदाजा है, हम नहीं कर सकते। पर अगर तो दूसरे दल है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, दूसरे क्षेत्रीय दल है, अगर वो एस्पिरेशन पूरा करें, अगर वो इन बुनियादी मुद्दों को भाग लें, ये जो दिल्ली के वोटर ने संदेश दिया है वो बहुत बड़ा संदेश है, वो देश के कोने कोने दो शब्द है, एक है डर की राजनीति, एक है एस्पिरेशन की राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एस्पिरेशंस की बात कर रहे थे, लेकिन जितने भी छोटे नेता हैं आपकी पार्टी में, उन्होंने एस्पिरेशन से ज्यादा डराने वाला काम किया है, और इसीलिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अब आम आदमी पार्टी के हाथ में है। हम एस्पिरेशंस की राजनीति करेंगे, आप डराते रहिए, कभी हिंदुओं को डराइए, कभी मुसलमानों को डराइए। गौरव, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए रूबिका जी, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा विचारधारा की राजनीति करती आई है, और चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन जरूरी यह है कि आप अपनी हार से भी कुछ सीखे। आप सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कह रही हूं। रूबिका जी, मैं समझता हूँ कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप सुन पा रही हैं तो मैं अपनी बात रख देता हूँ। ऑडियो लिंक नहीं है मेरे पास, बट मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो सबसे अहम बात क्या है, देखिए हमारी 303 सीटें आई और जनता ने एक जनादेश दिया लोकसभा में, तब भी हमने उसे स्वीकारा। दिल्ली के परिणाम आए, ठीक है, आशा अनुरूप जो है नतीजे नहीं आए, लेकिन हमें उसको भी स्वीकारा। हमने ईवीएम खराब है ये नहीं कहा, और अभी जो है नए नए दूल्हा बने हैं, मेरे साथी हैं, मैं चाहूंगा कि वो खुशियां मनाएं। लेकिन जो बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कही, अगर ये चुनाव सकारात्मक है और ये डेवलपमेंट का चुनाव है, तो जो केंद्र की अच्छी योजनाएं हैं, आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब भी लागू इस बार हो जाएंगी, ये हमारी उम्मीद है। दूसरी बात, कल कपिल सिब्बल को सुन रहा था रूबिका जी, कपिल सिब्बल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को करंट लगा। अरे मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी का ट्रांसफॉर्मर फूक गया। अभी आप हैट्रिक की बात कर रही थी, लोकसभा में पिछली बार शून्य, विधानसभा में पिछली बार शून्य, इस बार लोकसभा में दिल्ली में शून्य और विधानसभा में शून्य। मतलब ये ऐसे बैट्समैन है कि जो पिच पे बाद में आते हैं, जनता जानती है कि शून्य आएगा। और आर्यभट्ट को अगर आज किसी पे गर्व है तो वो कांग्रेस पार्टी पे है, और उसके बाद ये लोग भाजपा की बात करते हैं। अरे आत्मचिंतन करिए, सुधार लाइए, और हमें अगर टक्कर कोई देगा तो मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी में ये ताकत है, चर्चा क्यों, जिन्होंने भुआ भुआ को एक कर दिया, डिस्कस करने से गौरव भाटिया क्यों कतरा रहे हैं, बिहार में क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया है क्या? अभी तो निशांत वर्मा को मैंने इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है, मैंने राहुल गांधी का जिक्र भी नहीं किया है, अभी तो आम आदमी पार्टी पर मैं आपका जो है पूरा वक्तव्य चाह रही थी, लेकिन आपने बहुत कन्वीनियंटली चुना सबसे कमजोर खिलाड़ी को। क्यों भाई, उस खिलाड़ी को चुनिए ना जिन्होंने आपको दिल्ली में सच में चैलेंज किया और चारों खाने चित किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब चिंतन का वक्त है ना गौरव भाटिया, चिंतन का वक्त है। मुझे ये बताइए आप लोग क्यों हारे, क्यों हारे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, मैं आंकड़े दे रहा हूं। आइए अब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, जिसको हम लोग आपराधिक अराजक पार्टी कहते हैं। अब सुनिए, गोवा में 2017 का चुनाव लड़ा, 40 सीटें, शून्य जीती, जमानत जब्त हुई 38 में,
राजस्थान 2018 200 सीटें लड़ी, सीटें कितनी आई? शून्य। जमानत जब्त हुई 142 में। मध्य प्रदेश में 230 सीटें लड़ी, जीती कितनी? शून्य। जमानत जब्त हुई 2007 में। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।